कम ऑन, तीनों के लिए जोरदार ताली हो जाए एवरीवन। कम ऑन थोड़ा और जोश चाहिए यहाँ पर। इनको थोड़ा खून पिलाना पड़ेगा फिर जोश आएगा। और राइट, तो तीनों से ये सवाल है कि इस शो की क्या खासियत है? वन बाय वन, हम तीनों शो की क्या खासियत है? हम तीनों। अच्छा, आप तीनों। और क्या खासियत है, और क्या बात है शो के बारे में? अच्छा हाँ, मतलब शो की खासियत अपार्ट फ्रॉम हम तीन, आई थिंक इट्स अ विजुअल स्पेक्टेकल। यू नो, हम लोगों ने शूट किया है, द काइंड ऑफ लोकेशंस दैट वी हैव शॉट इन, you know, beginning from there, and the kind of layers, jis tarah ki layers hain hamare characters ke, Arman, Isha, Veer, ek aisi kahani hai jo ki jis duniya mein set hai, that magic, that passion, that intensity, it is something that you cannot ignore, you know, and hum bhediye hain, aur ye jo khoobsurat ladkiyan hain, ye human hai, ye dono bhai hain, और ये एक ट्रायंगल है, यू नो। सो आप लोगों ने प्रोमोज देखे हैं, आप लोगों ने BTS भी देखा है, आई थिंक दैट यूनिवर्स इटसेल्फ, हम लोग शूट करने जाते हैं तो हम खुद मेजमराइज हो जाते हैं, तो आई कैन ओनली इमेजिन। इस वक्त अजान हो रही है, सो इट्स जस्ट राइट, शुड वी जस्ट पॉज फॉर 2 मिनट्स? या आई गेस अजान, अजान 2 मिनट हो गई। ऑलराइट, so that's it man, it's a mesmerizing show, yeah। aur uske sath sath main sirf ye add karna chahunga ki ye har tarike se ek experiment hai show, correct, har tarike se ye ek disruptive show hai, ye na to ek biweekly show hai jo weekends pe dikhega, na hi ye ek daily soap hai, na ye aadhi ghante ka roz episode hoga, ye 1 ghante ka content aayega hafte mein 3 baar, so har tarike se experiment kiya hai channel ne, producers ne, और फिर हमारी भी जिम्मेदारी आती है एज एक्टर्स की, हम भी एक्सपेरिमेंट करें अपने किरदार के साथ। सो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 घंटे हम हर हफ्ते कंटेंट देंगे, और तो इसका मतलब है कि हम हर हफ्ते 2 पिक्चर दिखाएंगे लोगों को, फ्राइडे सैटरडे वो हमें मिस करेंगे बिल्कुल। सो इट्स अ डिसरप्टिव शो, इट्स अ डिसरप्टिव फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है टेलीविजन पे। लवली, आपने मेरी आधी स्क्रिप्ट बोल दी यहाँ पर, वाह, थैंक यू, वेल डन। आपके हिसाब से इस कहानी की क्या खासियत है? वेल, आई गेस खासियत ये है दैट तीनों में से, लाइक यू नो, यूजुअली ट्रायंगल्स में क्या होता है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और तीसरा इंसान जो होता है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, वो यूजुअली बुरा होता है, जो दो प्रेम प्रेमियों के बीच में घुसने की कोशिश करता है। बट इन दिस केस हिज कैरेक्टर इज जस्टिफाइड दैट वाई ही वॉन्ट्स ईशा, वाई ही डजंट वॉन्ट ईशा टू बी विद अरमान, हिज लव फॉर ईशा इज जस्टिफाइड। हाँ, जो जस्टिफाइड नहीं है कि वहाँ की वो ईशा इज स्टिल वेरी कन्फ्यूज बिटवीन द टू हैंडसम मैन दैट वी हैव ऑन शो। सो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, दैट यूजली हर ट्राइंगल लव स्टोरी में एक नेगेटिव होता ही है, बट इसमें कोई नहीं है। ऑलराइट, एंड क्योंकि हम इश्क की बात कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग लव, आप तीनों के लिए अगेन इंडिविजुअली इश्क के क्या मायने हैं आपके लिए? लेट्स स्टार्ट विद करण। आई थिंक मेरी इश्क की कहानी तो आई थिंक इट्स प्रीटी मच आउट देयर, स्वीट लव स्टोरी इश्क। हाँ, आई नो, आई मीन यू नो, हम लोगों ने इश्क जो सीखा है सिनेमा से, किताबों से, मैं किताबों में जो पढ़ा है, वो जिसने भी लिखा है उसने ज़रूर इश्क महसूस किया है। एंड नाउ आई एम इन दैट फेज़ वेर आई एम एक्चुअली, मैं वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, यू नो, तो मुझे समझ में आता है कि ये इश्क है फाइनली। सो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू मेक यू हैप्पी, मेक यू फील इन लव, एवरीथिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग इज मैजिकल, वो इश्क है। एंड आप जब जवाब दे रहे हैं आपकी आंखों में ही दिख रहा है हाउ मच यू आर इन लव, सो हाँ, वो मैं रो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ओके रीम, वेल बहुत ही क्लीशेड साउंड करेगा, बट मेरे लिए प्यार इज दोस्ती, बिकॉज आई फील दैट एक पॉइंट बाद सबकी लाइफ से रोमांस, पैशन, वो सब चला ही जाता है, हर रिश्ते का चला जाता है वो, बट दोस्ती जो है वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है, और दोस्ती दो लोगों के बीच में से कभी जाती नहीं है, इट नेवर फेड्स आउट। सो आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड, बट फॉर मी लव इज़ फ्रेंडशिप, एंड या
इसीलिए रीम ने बहुत लड़कों को फ्रेंड जोन कर दिया. हाँ, मैं हर दोस्त में कहीं ना कहीं अपना वो प्यार ढूंढ रही हूँ कि यू नो लाइक जाने तो जा रहे ना, इट इज दैट टिपिकल लव स्टोरी, आई लिव इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड. तो इन दिनों में ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है? Honestly, the three of us share a very professional bond, which I feel just makes work really easy. Yeah. And the three of us have an amazing understanding, जो कि बहुत जल्दी आ गई हम तीनों के बीच में. Usually, वक्त जाता है and जब show शुरू हो रहा था हमें ना तो ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ reading करने का या rehearsals करने का. But the kind of understanding that the three of us share, I think it's really commendable and we share a professional bond, which I deeply respect. चलो अभी हो गया, अब सच बता. ही इज अ बिग टाइम सड़ू, इससे ज्यादा सड़ू इंसान मैंने देखा नहीं है. ही इज सच अ बिग सड़ू, ही इज जस्ट अ बिग टाइम सड़ू, दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट हिम. ही इज अ सड़ू, वेरी एटीट्यूडी लाइक एन ओल्डी. ही इज अभी बोल रही है. तो कश्मीर, आपके लिए इश्क के क्या मायने? यार मेरे लिए तो इश्क वो है जो मतलब आप मुंह से अल्फाज निकलने से पहले अगर आप किसी के दिल की बात समझ लो तो वो इश्क है मेरे लिए. आप अगर किसी के साथ घंटों टाइम स्पेंड करो बगैर कोई बात किए, कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ, तो वो मेरे लिए इश्क है. और मेरा पहला और उस मायने में आखिरी इश्क मेरी ज़िंदगी का मेरी माँ है, मेरी अम्मी है. पहली बियर मैंने अपनी ज़िंदगी की मेरी माँ के साथ पी, पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई, पहला बिजनेस मेरा मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया. सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क है, आखिरी है उस मायने में. लवली, अपनी माँ को मेरा भी सलाम. वी नीड मोर मदर्स लाइक हर. काश मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं होता इंस्टेड ऑफ. ठीक है, कोई बात नहीं. बट ओके करण, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ इन दिस, राइट? तो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डन. तो ये फैंटेसी ड्रामा का इंस्पिरेशन आपको कहां से आया? कहीं ये किसी अपने से तो नहीं आया? आई नो वेयर दिस इज गोइंग. आई थिंक या मतलब इंस्पिरेशन बिगिंस एट होम ओनली आई गेस. बट यू नो जोक्स अपार्ट, कलर्स इज अ चैनल which has mastered this genre. And I don't think ki Hindustan mein colors ke alawa koi aisa channel hai jo pade bada dena thoda sa. I don't think any other channel has come near to what colors has done. Nagin, of course, my favorite. ऐसे ही करते हैं यार मेरे. सो या आई थिंक दे हैव इट इन देम एंड हेंस यू नो इफ यू सी इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर, इश्क में तेरे इश्क में घायल इज एन एवोल्यूशन ऑफ व्हाट दे हैव ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड एंड इट डजंट गेट बेटर देन दिस, राइट? एब्सोल्युटली. कम ऑन, तालियां थोड़ी कम हो रही है एवरीबॉडी. लव यू टू. एंड जो आपने कहा कि ये सब ऐसे ही करते, ट्रस्ट मी, आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑफ व्हाट आई एम होस्टिंग. I didn't even post any of your pictures in that. लेकिन आपके इतने सारे fan clubs ने already follow शुरू कर दिया. और क्या? Yeah, absolutely. So many people love you. It's like millions of people. Let's come to the very gorgeous Reem. Reem, so Masuri की कहानियाँ बताइए हमें. Masuri में shoot करने का कुछ थोड़ा gossip दीजिए हमें, behind the scenes. What would you like to share with us? Masuri में मेरे साथ क्या-क्या नहीं हुआ, क्या बताऊँ? See, apart from the cold weather and stuff like that, I didn't want to talk about that. And apart from the ghost, I had a really fun experience. And apart from the ghost, मतलब थोड़ा उस पे. I just एक भटकते हुए राम का कहते जी ने इससे इश्क हो गया था. It's true. ये होटल छोड़ के बाकी किससे हुआ इश्क? राम का को इससे. अच्छा, ओके. मुझे रियल लाइफ में भूत और भेड़ों से इश्क नहीं होता. Nothing. I was staying at a property which was a little spooky and. एक दिन मैं नींद में थी, मैं रात को दरवाजा किसी ने ठक ठक किया एंड आई जस्ट ओपन द डोर एंड देयर वाज दिस वन स्पूकी मैन आस्किंग इफ यू नो एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल दैट. बट लेटर आई जस्ट डिस्कवर्ड कि वैसे कोई आदमी वहां पे काम ही नहीं करता था. सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस शूटिंग इन मिसरी. एंड आई स्वेयर दैट मी एंड कश्मीर हैड नथिंग टू डू विद इट. ये हमारा कोई प्रैंक का प्लान नहीं था. आई वुड हैव अज्यूम दैट वाज द केस. वी वर बिजी डूइंग अदर थिंग्स. या कोल्ड में जो करना चाहिए. हां, यू नो, आप दोनों. हां, मतलब हम दोनों का एक अलग इश्क चल रहा है. सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहता हूँ. मुझे सब लोग पूछते हैं दो हीरोज की पिक्चर शो कर रहा है, इनसिक्योर है क्या, इनसिक्योर है क्या. मैं बहुत इनसिक्योर हूँ भाई.
इससे नहीं हूँ, लेकिन तेजू जब सेट पे आती है तो वो ले जाती है, तो ये उसके साथ बिजी हो जाता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो छीन लेती है करण को मुझसे। हाँ मतलब कुछ करना पड़ेगा, हमारे सेट बहुत आसपास है। एंड यू नो अभी अभी कश्मीर वाज सेइंग कि यू नो मोहब्बत इश्क वो होती है जिसके जिसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड यू नो वर्किंग विद कश्मीर फॉर टू मंथ्स आई हैव रियलाइज्ड कि इसका हर रिलेशन ऐसा है, तो वो दोस्ती भी वो कुछ बोलता नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, इफ ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू he will not say it, if he likes you he will never say it, he will never, you that's true, yeah, he will never say it, so mm-hmm. he's like that overall. So you know 2 months that we've spent together shooting, we've understood each other, and we've all had our own experiences. Yeah. You know he's come from you know theater, and he's come from a massive you know artistic sort of a place, and he brings that, she has her own experience, wo to hum bolte ki bachpan se hi hai, and you know we bring together everything and we put it all together to make a fabulous show. So you know it's our experiences, individual lives are experiences, and we come together to make a show. So when somebody asked me ki aap do hero ka show kar rahe ho, maine kaha bhai 4 mahine ho chuke hain show sign kiye ko, 2 mahine show shuru kiye ko, aaj pehli baar maine socha iske bare mein. Because me and Kashmir are killing it, yeah, you yeah. know. So yeah. we never thought about it because we are about coming together and making a good product. मतलब basic ये है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के against काम नहीं कर रहे, हम सब एक ही team पे हैं। भाई भाई हैं। हाँ। Actually भाई हैं। हाँ भाई तो भाई हैं दोनों। Yeah. तो चलिए कश्मीर आप पे आते हैं, तो आपने तैयारी काफी की है show के लिए, physically, mentally, you've always been very physically also very fit. Yeah. तो how did you prepare for this role? आई विल टेल यू इस रोल के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़रूरी था क्योंकि ये भेड़िया है, दोनों भेड़िए, तो दे हैव टू बी एक्सट्रीमली अजाइल और एथलेटिक होने चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे कलर्स ने ही मदद की, जैसे कि उन्होंने मुझे झलक पे डाला वहाँ बहुत पसीना बहाया मेरा वहाँ पे, 8 घंटे 2 महीने रोज रिहर्सल करता था, तो मेरे ऑटोमेटिकली 6 packs आ गए, सब कुछ एथलेटिक लेवल पे चला गया मैं, तो जैसे कि उन्होंने पहले से ही सोचा था कि इसको ऐसा बनाओ और उसके बाद इश्क में घायल में इसको डालो और वहाँ पे भेड़िया बना दो, तो वो मेरी प्रेपरेशन फिजिकल वहीं पे हो गई थी, इट वॉज अ लाइफ स्टाइल। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल आता है, देर इज ओनली वन प्रेपरेशन दैट आई डू, दैट इज मैं स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ता हूँ। यूजुअली एक्टर्स सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं और सबसे बेसिक चीज़ होती है स्क्रिप्ट पढ़ना, वो भूल जाते हैं। तो आई थिंक किसी भी रोल के लिए, किसी भी किरदार के लिए, तेरे इश्क में घायल के लिए भी, द ओनली प्रिपरेशन यू कैन डू इज कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो, आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो बस वही प्रिपरेशन है, 1000 बार पढ़ो और उसके बाद जाके परफॉर्म करो, दैट्स इट। लवली, कम ऑन, तालियां नहीं बज रही है एवरीबॉडी, कम ऑन, थोड़ी तालियां हो जाए। एंड कश्मीर आपने कहा कि ये सब इतना मेहनत करके आपको 6 pack आ गया, हम मीडिया वालों को बताना चाहते हैं कि ये VFX का कमाल नहीं है, नो स्पेशल इफेक्ट, राइट, सच में है, मेरा नहीं, मेकअप या तो आई थिंक दिखाना चाहिए, राइट, देखना चाहिए, ट्रू और VFX, थोड़ा और आवाज, क्या बात है, इट्स गेटिंग हॉट, आहिस्ता चीयरिंग चाहिए मेरे को, पहला बटन खोलो, पहला बटन, ये पहला बटन खुल गया, चीयर 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 चीयर, ये दूसरा बटन खुल गया, चीयरिंग बड़ी नहीं तो नहीं खुलेगा, चीयर, नहीं नहीं, इसके आगे, इसके आगे का अगर देखना है तो आप तेरे इश्क में घायल देखिए, सिक्स पैक दिखाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता हूँ, थैंक यू सर, या वॉच तेरे इश्क में घायल ऑन द 13th of February एट 9 PM मंडे टू वेंसडे, मंडे टू वेंसडे हर एपिसोड में कश्मीर के ऐप्स देखेंगे, क्या बात है, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल 3 of them एवरीवन, कम ऑन, वेल लगता है ये कहानी तो बड़ी मजेदार होने वाली है, द शो आल्सो इज गोना बी अ सुपर सुपर हिट, तो चलिए अब तालियां बजती रहनी चाहिए एज वी इनवाइट ऑन स्टेज द 2 people बिहाइंड दिस शो, द प्रोड्यूसर्स यश पटनायक एंड ममता पटनायक, जोरदार तालियां हो जाए, फ्रॉम बियॉन्ड ड्रीम्स, कैन वी हैव यू ऑल ऑन स्टेज प्लीज, कैन वी हैव अ माइक फॉर देम, या
both of you all, welcome to the launch of your own show. Thank you. Welcome to that. So Jen, first, how was the experience with Tere Ishq Mein Ghayal? Aap dono ka kaisa experience raha abhi tak? See, when we started working on the show, the biggest challenge that we had was to get the two guys right. And in television, you needed two guys who are larger than life, intensity in their work, and available also. So I think we got the two best guys to play Veer and Arman. And then the challenge was to get the girl who will match the two handsome guys. And we wanted that innocence and that right age. I actually want to tell them that main show ki meeting ke liye kabhi aayi nahi thi. Yes. So there's a story. I had never come for this show meeting. Main sir ki office aayi thi for another show altogether. Aur mujhe bas iski kahani bata di thi ki sir aur ma'am aisa koi show bana rahe hain. To maine bahut force kiya tha Aamir ko ki are unko bolo na main bhi karna chahungi aisa show, because obviously it was fantasy, it was drama, it was romance, it was so much that I really wanted to be a part of this show. So I actually manifested it and pushed myself. Yes. To see, once you have the right actors for the right characters, your half of your job is done. And we had to mount the show in a larger than life scale. We wanted to shoot in places where nobody has shot before. We actually went to the Himalayas where nobody has shot before. We shot in almost 0 degree temperature. These guys were, shivering. More sympathies to Reem for, wearing clothes which are not really, apt for the weather. But these two guys were having fun. And it was a fantastic experience. We had a very long schedule. We had a lot of action sequences. Then also the VFX of the show, the kind of VFX, the action that we're going to see in this show is going to be something that one has not seen much. We have made a beautiful set. I think I can say that one of the best sets that one has seen on television. And music, you have heard the song. I think we have got all the things in right place. And we're just hoping that ye aap logon ko bhi pasand aaye aur hum log ka aur encouragement mile aur aage badhte jaye. Lovely. Mamta ji, a few words from you. So this is a passion project for all of us. And we wanted to make an intense, forbidden love story. And we and the wonderful team at Colors, we got together. And here it is. We are very excited about it. Lovely. But I'm sure we all want to see a glimpse of the show, right? Yes? Yes? All right, let's take a look at what the glimpse looks like of the show. Can we have the video, please? Exciting and enthralling. But ये तो देख के लग रहा है कि Indian television के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कोई serial बनी है. तो what was the inspiration behind getting a fantasy show to Indian television? So it's a very exciting story of two brothers who don't agree on anything except for the girl that they are in love with. और कहानी है दो दुनियाओं की. एक दुनिया बहुत सो एक दुनिया है, बहुत अलग दुनिया हमने लाने की कोशिश की है. उस दुनिया के उसूल अलग हैं, नियम अलग हैं मोहब्बत करने के. लेकिन कैसे ये तीनों उन उसूलों को तोड़ेंगे, सारी हदें पार करेंगे और इश्क में घायल होंगे और अपने अपने इश्क के लिए लड़ेंगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट. लवली, तेरे इश्क में घायल. एवरीवन, फरवरी 13 से 9 से 10 बजे. और ये पहली बार हो रहा है कि अ फैंटेसी शो इज कमिंग मंडे टू वेंसडे, दैट टू पूरे एक घंटे के लिए. तो उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए. मंडे टू वेंसडे फ्रॉम 13th ऑफ फरवरी. लेट्स हैव अ फोटो ऑफ विद द फाइव ऑफ यू ऑल. एक ग्रुप फोटो हो जाए. एवरीवन, दिस इज द टाइम फॉर यू ऑल टू कम फॉरवर्ड एंड क्लिक अ पिक्चर ऑफ द फाइव ऑफ देम. जानिए अरमान की मिस्ट्री, वीर के इरादे.
करण सर कॉन्ग्रेचुलेशन शो काफी प्रोमो काफी धमाकेदार लग रहा है आप तीनों ऑसम लग रहे हैं क्या कहना चाहोगे करण सर सबसे पहले आप क्या मस्त लग रहे हैं हम तीनों आई थिंक इट्स यू नो वी वर्कड ऑन दिस शो फॉर अ लॉन्ग टाइम और काफी मेहनत है इस शो में and we've come together all three of us and you know Mamta ma'am aur yash sir hame you know itni sari wo bata ke chale gaye but the fact is that ki unhone ek bahut acha show likha bhi hai aur bahut mehnat ki hai creatives ki writers ki you know direction team ki production team ki and this is the result and, yeah. you know, so jab aap bahut mehnat karte ho aur kuch result acha aata hai aur aap logon ko acha lagta hai to hame bhi you know we feel nice सर आप बताइए सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस यार ट्रिमेंडस था अभी भी एक्सपीरियंस जारी है चल बहुत हाँ बहुत हद तक जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है मतलब ये करण ने मुझे बताया और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग करण और कश्मीर का तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहां पे जो लव हेट रिलेशनशिप है तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है अभी भी लाइव्स में हमने देखा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं ट्रेलर के बाद आप लोगों ने कितने कमेंट्स पढ़े हैं हम तो यहाँ पर हैं आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुआ आप लोगों के लिए स्पेशली सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं हमारी फैमिलीज हैं वो उनको भेजेंगे हम उनका रिएक्शन देखेंगे एंड यू नो फैंस आर फैंस So there's a lot of love that's coming. जो पहला प्रोमो भी है हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के रीम के मेरे सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव और बहुत यू नो बहुत एंटिसिपेशन है विच इज समथिंग दैट वी रियली रियली लाइक वन ऑफ द मेन रीजंस दैट यू नो आई साइंड अ शो इमीडिएटली आफ्टर एंडिंग वन शो इज बिकॉज इट्स अ फाइनाइट और जब आप फाइनाइट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की अश्योरिटी रहती है ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें यू नो क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से ही शो बनने से के पहले से ही ऑल्सो एंड शो खत्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज रहती है काम करने की लाइफ में कुछ और करने की और आई अनदर थिंग अबाउट द शो क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माय पर्सनल टाइम एज वेल सो दैट्स अ प्लस पॉइंट कश्मीर एंड करण व्हाट कुड दे ऑन द सेम क्वेश्चंस लाइक क्या था क्वेश्चन इट्स द फाइन लाइन जब तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज ही करूंगा अगर टीवी पे करूंगा तो क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट डेली सोप्स बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो उस गणित में बैठ रहा था वैसा है सो आई एम ग्लैड इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था और क्या पैसे अच्छे थे No, I think what he's saying is right. What she said, it's a finite show. और finite show में आप ये level की quality दे सकते हैं. Because हमारे पास time था, हमारे पास script थी. हम pre-plan कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे. Budget तो है ही. So what happens in a show like this? No, कि आप भी फिर अपना extra, extra 110-120% देते हो. Because you know कि ये graph है character का, ये pre-defined है. ये अरमान का कैरेक्टर है ये ईशा का कैरेक्टर है ये वीर का कैरेक्टर है एंड यू नो इट्स नॉट एन इजी शो यू नो विद हैविंग टू बॉयज एंड अ गर्ल और वो भी यू नो ऐसे इतने बड़े लेवल का शो बट इतना क्या खतरनाक बोल दिया मैंने सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज फर्स्ट यू नो इट्स ये जो शो है इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. So, अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते. You have to come, you have to work harder, you have to bring new and new. That's how anything evolves. So, I think this is a part of that. This is part of that plan.
एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, आपने खुद बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? जो डायलॉग बहुत राइटर भी ये शो का। हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ। इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में, कल का एपिसोड लिखूंगा। नहीं, सी अगेन, दीज आर थिंग्स दैट यू नो आप करते हैं, और अगर वो चीजें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है। सो बिल्कुल, या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर। जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस को कुछ नया चाहिए रहता है, तो वैम्पायर्स पे, वुल्फ्स पे पहले भी शोस बन चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है? हाउ डिफरेंट, अगेन कमिंग बैक टू स्टोरीज, यू नो लव स्टोरीज वही रही हैं लाखों सालों से और अगले लाखों सालों तक भी चलती रही। इट इज हाउ यू पुट इट आउट, यू नो आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो। वी नो व्हाट टेलीविजन ऑडियंस वांट्स राइट नाउ, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट। एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज को भी you know, पकड़ के रखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज द स्टिल द बिगेस्ट मीडियम इन द कंट्री राइट नाउ, सो इट हैज टू बी एन अमलगेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट। हाउ वी आर गोइंग टू इंटाइस द ऑडियंसेस इज समथिंग दैट आपको देखना पड़ेगा 13th February से Monday to Wednesday, but trust me, we will not disappoint you. Reem, आप हमेशा से Reem। समय के बाद में दोबारा टीम पर लौट रहे हैं, और क्या बदलाव देखते हैं आप जब दोबारा अपने ब्रेक के बाद में टीम पर आते हैं? ब्रेक, I think, see, I've been on and off on television, but fiction में वो हम वापस आए हैं, but अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि why I chose to be a part of this project, why I chose to work with Vishmi, why I chose to work with Reem, why I choose to be part of this universe. It has to be something that, again, you know, marks something. I also want to plan my next 5 years. You know, so every decision has to be like that. So, fingers crossed. हाँ जी, Reem, आप हमेशा से सभी बड़े एक्टरों के साथ काम करती रही हैं। करण और सर के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? थोड़ा कुछ मतलब मेड यू ओल्ड नाउ सडनली? यार मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जब बॉलीवुड में इट्स सो इजी तुम दोनों को फुट्टा बना दिया। बड़े नहीं, नहीं, आपके पुराने वो क्या कहते हैं की बात करें, हमारी बात मैं तो 2004 में पैदा हुआ। बट यार जोक से पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जब बॉलीवुड में दिस thing is so normal, शाहरुख खान वर्किंग विद आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है, कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है? That's how cinema has been since years and it will be for the coming years as well. तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा दो मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अब नॉर्मल लग रहा है? आई जस्ट डोंट गेट इट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ मस्ती हुई क्या हुआ कुछ थोड़ा? नहीं यार, मैं तो काम करता हूँ। मस्ती मस्ती करने के लिए पार्टी कर लेते हैं हम लोग बाद में, लेकिन सेट पे सिर्फ काम करते हैं। प्रेशर इन द सेंस किस चीज का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार का, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई रहती है। आपके पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए, लोगों ने बेशुमार प्यार दिया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है यार, किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन वो बहुत ही ज्यादा है, तो वो प्रेशर मुझे ज्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊं। तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशन पे भी खड़े उतरोगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। और ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर, ये सही बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ दिल से। बट भाई लकी मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से लोग आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे रिम आपको बाकी के कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में हो, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के प्यार में? किस तरह से देखता हूँ जी? आई थिंक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूँ। मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊँ जब मैं शूट करता हूँ। मैं हाँ मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊँ। मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूँ हर एक सीन में, क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं। किसी ने बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहां पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहां पर रोज कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द ओनली थिंग विच यू नो यू रेसिप्रोकेट विद व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव. कि एक आदमी अगर अपना एक घंटा मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के मुझ पे इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रोज सेट पे जाके कुछ नया क्रिएट करूं और शिद्दत के साथ क्रिएट करूं. तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल आई केयर अबाउट. स्पेशल तैयारी ये की कि मैंने वैम्पायर डायरी नहीं देखी. वाज माय स्पेशल तैयारी बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ वैम्पायर डायरीज. तो मेरी स्पेशल तैयारी यही थी कि मैंने वैम्पायर डायरीज नहीं देखी. बट शो को कहीं ना कहीं यू नो कंपेयर किया जा रहा है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बस हम सबकी आदत पड़ गई है किसी भी प्रोजेक्ट की. अगर मैं आज आपको बोलूं कि दो भाइयों की और एक माँ की कहानी है, तो आपका सीधा सीधा जो है वो रेफरेंस जो है वो दीवार पे चला जाएगा. अगर मैं बोलूं दो भाइयों और एक माँ की कहानी है, आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे. मैं कोई आपको सो एज इट इज यू नो सुपरनैचुरल फैंटेसी एक इतना थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीजें बनी हैं, और जितनी चीजें बनी हैं वो इतनी आइकॉनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे आप अगर इसको अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो आप वो ही देखोगे ना, ये को देखोगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. Guys, we have the makers also here. Aye, aye, sir. Whoa! Sir, ma'am. सर आपसे तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि इन तीनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल आपके लिए रहा? When we thought of it, to be very honest, it was almost an impossible task. लेकिन पहले हमने करण को फोन किया था. करण, I know him for a while. I am very fond of him for many many years. And I think it's mutual also. तो करण को ममता ने नरेट किया. आई थिंक करण इन 5 मिनट्स हैज बुक यस. देन गश्मीर हैज डन अ वेब सीरीज विद अस. सो आई वाज थिंकिंग कि यार उसके भी नया सीजन आएगा. गश्मीर के पास टाइम हो या नहीं, एंड गश्मीर इट्स अ टू हीरो प्रोजेक्ट. सो एक थोड़ा फैक्टर था कि करेगा नहीं करेगा. ही इज वेरी मेथड एक्टर, हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सवाल बहुत पूछता है. गश्मीर से मिलने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज क्या क्या सवाल कर सकता है वो. ओके, सो देन गश्मीर आल्सो, व्हेन आई थिंक ममता नरेटेड टू गश्मीर, आई थिंक इमीडिएटली इंस्टेंटली ही लव्ड द कैरेक्टर. एंड आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट कास्टिंग. या एक्चुअली एंड आई एम सो हैप्पी. आई फील रियली ब्लेस्ड. एंड दे आर बोथ आर सो वंडरफुल गाइस टू वर्क विद. No tantrums, nothing. It's just fun, and the kind of commitment to the work is phenomenal. Actually, all three of them easiest to work. She's the sweetest. Yeah. Thank you so much. Thank you. करण गश्मी गलत बात है, छोड़ेंगे नहीं. क्या भाई, हम लोग को बाहर रुका के रोहित को अंदर लिए. भाई रुको ना, एक मिनट रुको, जाओ ना, रुक जाओ ना. रोहित ए रोहित आ गया भाई, हमारी नहीं रुक जाओ ना भाई. क्या बात है, रोहित किधर है? रोहित को रुका के हम लोग को बाहर. हम लोग भी है यार, करण भाई से मत करो रोहित के अलावा. ये जेलर वाला है. अरे जेलर क्या, थैंक यू थैंक यू. ये पानी उसने भेजा है दिल्ली से. थैंक यू. तो भाई को यहाँ से बस जाके देखेंगे. लेकिन भाई प्रधान देखेगी नहीं? नहीं यार, अभी तक नहीं देखी. मैं देखूंगा जरूर. कुछ बोलना चाहिए? बोले ना, पूरा सारा देखो फुल ऑडियंसेस. हाँ अच्छा अच्छा, किधर जाना है? चलो चलो गाड़ी कर, चलो चलो बाय बाय बाय. दो घंटे का पूरा मिलने वाला. भेड़िया दो भेड़िया. अरे छोड़ना मत, पुलिस पकड़ के रख. दुर्गेश दुर्गेश बैठ के पकड़ के रख. दुर्गेश रुको रुको, रिम रिम इधर रिम रुक जाओ.
बस बस हाँ ये क्या थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करवा दो ना एक किचन थोड़ा पीछे आना किचन पीछे आना ये रोहित जल्दी पूछिए सर रिम जी यहाँ पर देखो रिम जी यहाँ पर वेट यहाँ पर नहीं देख वेट 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 मैं वेट रुको नहीं मिला अभी जैसा कैमरा स्टार्ट हुआ एक सेकेंड वेट वेट अरे अभी चालू हुआ चलो जाने दो पूछे आग लगा देंगे आज रिम जी पानी बुलाना पड़ेगा बिग बॉस पूछ लिया भाई ने पूछ लिया बिग बॉस पूछ लिया भाई ने पीछे थे हम लोग सुमूल आ गए पीछे आनेगा क्या इतना वाइट लेता तू मेरे से इसको कितना वो कर रहा है इधर देखो लेफ्ट में भाई झलक के बाद भी नचा रहे मेरे को यार एक सेकंड क्या कुछ बुझ ले रोहित चल बहुत चलते जाओ 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 लेट हो जाने दो अभी जान दे रोहित इनको भी छोड़ने का